सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, आमतौर पे पानी की टंकी अगर आप देखें बनाने वाली कंपनी, 77-90 पे हमने इरिगेशन से जोड़ के स्टॉक को बहुत देखा है। आशीष इन्फेक्ट मिस्टर तातेड़, मैं आपके पास ही आऊँगा। ये देखिए मार्च में चला और ऑलमोस्ट ये करीब करीब 65 रुपये और मेरे ख्याल से 62 रुपये से चलता 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 78 पे आ गया है। अभी आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो आप कभी कभी क्या होता है ना, आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप के कुछ ऐसे स्टार्स रखते हैं जो कि छोटे से मझोला और मझोले से बड़ा स्टॉक बनने का कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखते हैं, क्या ये वो स्टॉक है सिंटेक्स मौजूदा हालात में लगता है आपको ये वो स्टॉक होगा? जी वीरेंद्र, बहुत डिफिकल्ट होगा इस पर कॉल लेना, क्योंकि जब ये 110-112 चलता था तो हम वही कहते थे कि इसका फेयर वैल्यू 82-86 का जोन है। नीचे आया तब भी हमारा रुझान यही था, बट हमारी रेटिंग वही रहेगी कि 80-82 रुपीज़। बहुत बड़ा अपमूव, अगर मेरे को इरिगेशन बेट पे लेना है तो मैं जैन इरिगेशन लूंगा, ना कि सिंटेक्स इंडस्ट्री लूंगा। उसके 2-3 ट्रिगर्स हैं। अगर आप देखो तो जैन इरिगेशन 2500 करोड़ का मार्केट कैप पे अवेलेबल है, 400 करोड़ उसको आज ही एक सब्सिडियरी में पैसे आते हुए दिखे हैं, और कंपनी मतलब बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रही है 55-50 के जोन से लेके 70-75 के जोन पे। और 2500 करोड़ पे अगर वो डीलेवरेज होती है तो उस टाइप का जो बिजनेस है, लार्जेस्ट प्लेयर बीइंग, हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस वही जो हमारा पुराना टारगेट था 90-95 का, वहां तक जाते हुए दिखेगा। 75-78 डेफिनेटली एक हर्डल है, वहां पे जाके ये रुक जाता है, पर स्टिल इट्स अ 30% अपसाइड इवन ऑन कंजर्वेटिव साइड एंड 60% अपसाइड अगर हम जो देख रहे हैं कि ये कंपनी डीलेवरेज होकर पूरा का पूरा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए दिखेगी। तो दिस इज वन सेफर बेट कंपेयर टू व्हाट सिंटेक्स इज एट करंट लेवल्स।